हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्वाति मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मी एट स्वाति मिश्रा लाइव। क्या बोले यार, समझ ही नहीं आ रही है सब क्या बोल रहे हैं हम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के दिन में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। मैं आपको बता दूँ, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है और मेरी बहन बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बना रही है, विच इज़ पोहा। वो पोहा बहुत ही टेस्टी बनाती है। एंड बाय द वे, अगर आप बोलोगे कि मैंने मुंह पे तेल लगाया है, तो मैंने तेल नहीं लगाया है, मैंने अभी अभी अपनी स्किन केयर किया है, जो कि मुझसे हमेशा लोग, मतलब हम दोनों से, मेरे मेरी बहन से लोग हमेशा पूछते हैं कि मुंह पे तेल लगा रहे थे। इट्स नॉट तेल, देखो तेल गोता, इट्स नथिंग एग्जैक्टली। तो गाइज, मेरी बहन ने मेरे लिए सुबह सुबह नाश्ता बना दिया, इट्स लुकिंग सुपर यम्मी। अभी मैं इसको खा के फटाक से तैयार होंगी। हाय एवरीवन, आई एम रेडी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्लश ज्यादा लग गया है, बट ये थोड़ा फेड हो जाएगा थोड़ी देर में। इसमें कुछ ज्यादा ही लग रहा है, रियल लाइफ में तो इतना है नहीं। बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं था बारिश हो रही है अभी, नहीं तो मैं वो करके आती, छाता लेके आती। इसमें और जो मैं गाड़ी अभी सीख रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, ये ऑटोमेटिक है ना, मैनुअल सीख रही हूँ, तो उसमें क्या फर्क है चलाने में, आप बताओगे मुझे? क्योंकि हार्ड है और ये इजी है। ये इजी है, अगर उस पे आदत हो गई आपको तो आपके लिए फिर ये वाला बहुत इजी बन जाएगा पक्का। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी गाड़ी चलाऊँ मैं, अब तो कहीं राइट टाइम होगा मेरे लिए चलाने के लिए, कभी और सीखूँ क्योंकि मुझे लाइसेंस तो मिल गया लर्निंग, तो जिसके लिए मतलब लर्निंग प्रैक्टिस के लिए ही होता है आई थिंक। नहीं, आप लर्निंग पे ये प्राइवेट कार नहीं चला सकते। अच्छा, लर्निंग पे प्राइवेट, रूल्स एंड रेगुलेशन, गाड़ी पे L लिखा हुआ होना चाहिए, तो वो तो मैं कर ही लूंगी। एंड ड्राइवर, आपके बाजू में एक ड्राइवर होना चाहिए विद सर्टिफाइड लाइसेंस। ओके, अच्छा, तो जो मेरे ट्रेनर है ना, उन्होंने बोला है कि वो मेरी गाड़ी को मुझे सिखा देंगे, तब तो चला सकती हूँ ना। यस, ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं है ना व्लॉग बनाने से? पिछले बार लड़ाई हो गई थी। अरे कुछ तो हम सब चल दिए हैं मीटिंग के लिए, मोहित को तो सब जानते हैं, हेस कुणाल। आप लोग अपना अपना काम प्लीज इंट्रोड्यूस कर दीजिए खुद से। तो मैं हूँ सिंगर एंड कभी कभी लिरिसिस्ट, लिख देती हूँ सॉन्ग्स। ओके, आई एम म्यूजिक प्रोड्यूसर, सिंगर कंपोजर। तो गाइस, अबे अंग्रेजी बन गया हम लोग। तो गाइस, यहां पे अच्छा नहीं होना, नहीं फिर से लो, फिर से लो, ये अच्छा नहीं होना। नहीं 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 नहीं, व्लॉग नेचुरल होता है, व्लॉग में कोई एडिटिंग नहीं। रीटेक लो। ओके, ठीक है। ओके गाइस, मीट मी, आई एम स्वाति मिश्रा, आई एम सिंगर, सम टाइम्स लिरिसिस्ट एंड अ पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर। नाउ इट्स योर टर्न। मेरा तो म्यूजिक प्रोडक्शन। ओके, दिस इज कुणाल मिश्रा, सिंगर कंपोजर, अंग्रेज बोलने भी नहीं दिए इसको। ओके गाइस, आई थिंक आपको पॉइंट पता लग गया होगा कि कौन क्या करता है। तो हम लोग बहुत ज्यादा टैलेंट से भरपूर इंसान है हम लोग, बट मुझे छोड़ के। अच्छा, सिंगिंग एंड कंपोजिशन टैलेंट में नहीं कंसीडर होता है क्या? थोड़ा सा है, भरपूर नहीं, थोड़ा सा। गाइस, ये होता है आर्टिस्ट का हम्बल होना। गाइस देख रहे हो, सब कुछ होते हुए खुद को खुद इंट्रोड्यूस कराया एज अ कंपोजर, एज अ सिंगर, लेकिन अभी कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ टैलेंटेड। अरे हाँ, मैं आपको दिखाना ही भूल गई, कंपोजर जी अपना गिटार लेके भी आए हैं। हाय गाइस, हम मीटिंग करके आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं पेट पूजा करने के लिए। आज गाड़ी के पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आज संडे है और आज बहुत सारे लोग आए हैं मॉल में छुट्टियां मनाने, तो इसलिए अभी हम भी आए हैं कुछ खाने पीने। हम छुट्टियाँ मनाने तो नहीं आए, खैर आर्टिस्ट के लिए कोई भी दिन छुट्टी का दिन नहीं होता है, हमें आज ही काम करने बहुत सारे हैं। लेट्स गो। चलिए आज चलते हैं, आपको मैं ले चलती हूँ अपने ड्राइविंग के, जो सीख रही हूँ उसका अपडेट देने कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। एंड जो मैं इतनी सजधज के जा रही हूँ वो इसलिए क्योंकि उधर से ही उधर मुझे जाना है एक छोटे से मूवी देखने तो उसके लिए थोड़ी सी तैयार होकर जा रही हूँ। आज आफ्टर एजेस मैंने ये रेड कलर लगाया है, मैं रेड पिंक ये सारा लिपस्टिक यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत लाउड बना दिया, ऐसा लगता है मैंने कितना मेकअप किया हुआ है अभी मुझे लग रहा है, बट ये रेड कलर की लिपस्टिक मैंने रिसेंटली परचेज की है लैक्मे की, तो बहुत अच्छा शेड है एंड मेरे स्किन टोन पे बहुत अच्छा जा रहा है, बट हाँ, यू कांट वेयर इट रेगुलरली। सो या अभी मैं निकलूंगी थोड़ी देर में,
जैसे ही मेरे ड्राइविंग टीचर का कॉल आ जाएगा मैं निकल जाऊंगी। और फाइनली इस लड़की को देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो गाइस। आपको पता है ये ना पिछले जब से ये हेडफोन आया है ये उस दिन से ट्राई कर रही है कि हेडफोन कनेक्ट हो जाए। आज कनेक्ट हुआ तो किसी को देख ही नहीं रही है, बिजी हेडफोन में। ब्लॉग में कुछ बोल ले, मेरे को सुनाई नहीं दे सच में यार। मेरा पैर वैर कट गया क्या? पैर कट गया, हाँ थोड़ा सा लग गया यहाँ पे। कैसे पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, बैठ में लगा, अभी लगा, अभी तुरंत आते वक्त लगा तो मेरे को लगा नहीं कि अभी दर्द होगा, लेकिन अभी हो रहा है दर्द। अरे ऐसे मत करो ना, दर्द हो रहा है। एनीवे तो बर्फ लगाना पड़ेगा। हां बर्फ नहीं, ठीक है चलो। मम्मी क्या भरे यार, गाइस रूम में लाइटिंग की कंडीशन सही नहीं है। व्लॉगिंग को ध्यान। ये देखो गाइस, इसमें सारे घर के डब्बे इकट्ठे करके और इसमें स्नैकिंग की चीजें डाली हुई हैं, और उसके लिए ये बहुत प्राउड है खुद पे। क्या भैया बर्फ निकल नहीं रहा मेरे से, बहुत प्राउड है ये खुद पे। ला पैर ला बाबू, करने दो यार, ये मेरे पीछे छोड़ दो। पता नहीं ये आंटी रखी गई है यहाँ पे, बाहर से निकाल के ला करके तो वहां से यहाँ पे आंटी रख दी है। अरे ये कपड़े मैंने रखा है, तुम रखी हो? गाइस ये देखो, एज आई सेड बिफोर कि पूरे दिन टीवी देख रहे थे, देखो टीवी चालू हो गया, हेडफोन लगाई हुई थी, हेडफोन निकाल के टीवी देख रही थी, देखो हेडफोन वहां फेंक दिया उसने। ए वो किस पे कॉलेज रोमांस किस पे आता है? सोनी लिप पे नहीं, आई थिंक प्राइम पे आता है। ओ ब्रो प्राइम कहां चली गई? क्यों किधर है प्राइम? बहुत दूर हो गया उससे। हां नहीं ठीक है, हम नेटफ्लिक्स समझ रहे थे प्राइम को। अरे मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और व्लॉग आप देखते हो रोज रोज का, आपको पता है कि मुझे कितना टाइम मिलता है। आज सुबह से मैं दिखाती हूँ क्या कर रही थी। सुबह से मैं एक सॉन्ग लिख रही थी, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, ऑलरेडी आ चुका है वो सॉन्ग, उसका रिप्लाई लिख रही थी। बेसिकली ये सॉन्ग डुएट आ रहा है मेरा कुणाल के साथ। चलो गाइस फटाफट, ये देखो गाइस क्या कर रहा है, ये देखो भैया का जूता काट रहा है, भैया का है जी ये, देखो भैया का चप्पल काट रहा है। एक बर्फी नहीं काटो गाइस, चलो आपको दिखाती हूँ आज प्रॉपर ड्राइविंग करके कि कहाँ तक पहुंची मेरी गाड़ी। तुम क्यों हंस रही हो चिता? टीवी खोल के कहाँ यहाँ आ गई जी? टीवी खोल के यहाँ क्यों आ गई? Let's go guys, पागल हो चुकी है। अब आपको मैं दिखाती हूँ अपना फुल ओटीडी, नॉट फॉर ड्राइविंग बल्कि जो मैं जा रही हूँ मूवी देखने उसके लिए। ये पीछे डब्बा रखा हुआ है खाके, अभी अभी सबने खाया है तो डोंट माइंड गाइस, सबके घर में होता है। दिस इज माई फुल गेटअप, दीज आर हील्स, पिंक हील्स, लास्टली आई एम गोइंग टू अप्लाई माई परफ्यूम। फिर आ गई तुम भागी पाकिस्तान से, भाभी आई सुनियो कि नहीं? बुरा बोलते ना फोन ये भी पटक देती मैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है गाइस, मैंने बहुत अच्छे से ड्राइविंग करी है। किधर से आए थे? मैं यहाँ पहली बार तो नहीं आ रही हूँ, नहीं मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे भी गाइस। मैं बहुत वियर्ड एंगल से यू नो व्लॉग्स बनाती हूँ, डोंट माइंड। लेट्स गो, हम आ गए अंदर। अभी तो थोड़ा ठंडक से, मतलब बहुत ठंड होती है यार अंदर। ये देख बार्बी खा रहे हैं, मेरा बहुत मन है बार्बी देखने का। देखो पीछे रिक्लाइनर सीट है, मेरा मन कर रहा है खाली है, मेरा मन कर जाके उस पर बैठ जाऊँ। पैसा इस सीट का दिया, लेकिन मेरा मन कर जाके रिक्लाइनर पर बैठ जाऊँ। पिछली बार मैं आई थी तो मैंने एक स्टोरी डाल दी थी कि रिक्लाइनर पे मज़े कर रही हूँ, इतने पागलों ने कमेंट किया था। पहली बार चढ़ी हूँ क्या? नहीं, मैं छोटी छोटी खुशियों को इन्जॉय करती हूँ और शेयर करती हूँ। पहली बार नहीं चढ़ी थी, आए बड़े। हाय एवरीवन, तो मैंने मूवी देख ली,
एंड शुरू के घंटों में ना, अच्छा चलो मैं अभी रेस्टोरेंट जा रही हूँ खाना खाने, वहाँ चल के आपसे बात करती हूँ। मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत फैंटास्टिक थी, आप सबको देखनी चाहिए। एंड फिलहाल हमारी पेट पूजा हो रही है छोले भटूरे से, वो भी डिनर में। बाय बाय बाय।